हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन। स्टार्टिंग किया फर्स्ट सेकेंड पार्ट इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वो देखिए पहले, ठीक है। उसके बाद अपन लास्ट पार्ट है, ये एक टॉपिक बचा हुआ आपका सीजन वाला, ठीक है। तो इसमें लास्ट में देखा था अपन ने कि सन डे और नाइट कैसे वेरी हो रहे थे आपके, जो सनरेज फॉल हो रही थी अर्थ पे, सनरेज अर्थ पे फॉल हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट। तो जहाँ पे वर्टिकल फॉल हो रही थी वहाँ पे डेज ज़्यादा हो रहे थे, यहाँ पे वर्टिकल स्लैंटली मतलब तिरछी फॉल हो रही थी सनरेज, वहाँ पे डेज छोटे हो रहे थे। जिस अर्थ के जिस पार्ट पे, ठीक है, ज़्यादा सनरेज थी वहाँ पे समर होगा। यही तो अपना सीजन भी ऐसे तो बनते हैं आपके, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा सनरेज होते हैं, ज़्यादा सनरेज फॉल होगी अर्थ के जिस पार्ट पे, वहाँ पे समर ज़्यादा होगा। जहाँ पे कम होगी वहाँ पे विंटर होगा। तो यही चीज़ें इसमें भी देखो, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस इन द सेम डायरेक्शन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन द इट्स ऑर्बिट। तो जैसे ऑर्बिट पे जब ये रोटेट करती हैं अर्थ के अराउंड, तो उसी टाइम पे ये वेस्ट टू ईस्ट में आपके रोटेट भी करती हैं अपने एक्सेस पे, ठीक है। दोनों चीज़ें रेगुलर ही होती हैं। ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल फेस द सन एट द रेगुलर इंटरवेल। अब अपन नॉर्थ पोल की रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से ये अर्थ है, तो अपन कौन से पोल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं? नॉर्थ पोल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ये इक्वेटर है। तो नॉर्थ पोल रेगुलर इंटरवल बेसिस पे सन इस पर फेस करेगा नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। इंटरवेल मतलब एक बार नॉर्थ पोल और एक बार साउथ पोल पे, ठीक है। ये अपन देखा भी था, पिछली बार भी देखा था ये, अभी फिर अपन इसको देखेंगे नीचे आगे फिगर से पिक्चर से। तो देखो, द सन रेज वर्टिकली फॉल होती हैं आइदर ऑन द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के या तो नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में क्या होती है सन रेज वर्टिकली मतलब स्ट्रेट फॉल होती हैं अर्थ पे। ये अपन कंसेप्ट देखा था पहले, किस किसके बीच होती हैं? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच होती हैं, ठीक है। उससे बियंड उससे ऊपर वर्टिकल फॉल नहीं होती हैं, और कैप्रिकॉर्न से नीचे की साइड पे वर्टिकल फॉल नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसे तो दिस कॉजेज द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे और नाइट। तो ये क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ डे और नाइट वेरी करते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल जैसे आपकी सनरेज फॉल होती है उसके अकॉर्डिंग अपने देखा था। नेक्स्ट, दोज पार्ट ऑफ द अर्थ विच रिसीव द मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर, वाइल दोज पार्ट हु रिसीव द लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर। ये चीज़ें भी देखी थी अपन ने, जहाँ ज़्यादा सनलाइट होगी वहाँ विंटर वहाँ समर होगा, गर्मी होगी। जैसे अपने यहाँ पे है नॉर्थ पोल में प्रेजेंट टाइम पे इस टाइप ज़्यादा सनरेज नॉर्थ पोल पे हैं अभी मई जून जुलाई में। तो इधर क्या होती है अपने इधर समर होती है, और इस साइड में साउथ पोल में क्या हो रहा होगा मई जून जुलाई जो अपना अभी बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है यहाँ पे विंटर हो रहा होगा साउथ साइड में। जब इधर समर होगा तो इधर विंटर होगा। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस द विंटर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द समर इन द पीरियड 21 मार्च टू 21 सेप्टेम्बर। अब देखो, ये पूरा एक सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। कब वर्टिकल फॉल कैंसर पे होगी, कब इक्वेटर पे होगी, कब कैप्रिकॉर्न पे होगी, पिछली में भी देखा था, फिर अपन देखेंगे दोबारा इसको, ठीक है। वाइल अभी कब इस पर फिर समर होता है अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अपन किस साइड है इंडिया, कैंसर अब अपने यहाँ पे लाइन गुजर रही है अपने यहाँ पे अर्थ पे, तो अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और कैंसर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने बीच से गुजर रही है इंडिया के, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपन, तो अपने यहाँ पे देखो मार्च से सितंबर तक ही गर्मी का माहौल इसके बीच होता है अपना, गर्मी का जो सीजन होता है, ठीक है, समर का। व्हाइल इट इज विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब यही है जब इधर नॉर्थ विंटर इधर समर होगा इधर विंटर होगा आपका। द चेंजेस ऑफ सीजन इज फिनोमेना दैट डायरेक्टली अफेक्टेड द ह्यूमन लाइफ। जो चेंजेस होते हैं सीजन्स में वो ह्यूमन लाइफ से इफेक्ट करेंगे, करते ही बिल्कुल, क्या खाना पीना पहनना, ठीक है, ये सब चीज़ें बदलती हैं सीजन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बदलती है, और अपन देखते भी है डेली लाइफ में। तो अपन वही फिनोमिना वापस देखते हैं, देखो पूरे ईयर का कैसे चलता है। देखो ये आपको इलिप्टिकल होता है, ठीक है, जो क्या होती है आपकी ऑर्बिट होती है, जिसमें अर्थ क्या होता है सन के अराउंड ये मूव करता है, और खुद अपने एक्सिस पे भी करता है। तो अब देखो इसने सारी लाइंस फॉर्म कर रखी हैं इस पर। अब अपन जून की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो इस साइड में क्या होगा, ये आपका नॉर्थ पोल है
ये साउथ पोल है तो क्या होगा, देखो सनरेज कहाँ ज़्यादा फॉल हो रही है, साउथ पोल पे तो बिल्कुल सनरेज आएगी ही नहीं, जो ये वाली लाइन है इसके इधर तो आपका सनरेज होगी, इधर सनरेज नहीं होगी, ठीक है, ये जो भी लाइन है आपकी, ठीक है, ये वाली लाइन है तो इधर सनरेज नहीं होगी, इधर सनरेज होगी ये इस पोजीशन में, ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसके राइट साइड में जो लाइन है ना यहाँ पे, ये वाली लाइन है, ठीक है, इसके इधर सनरेज होगी, इधर नहीं होगी। देखो अब तो नॉर्थ पोल इधर सनरेज में आ ही नहीं रहा, तो यहाँ क्या हो गया, अंधेरा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो जाता है, ये मार्च से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मार्च से क्या होता है, देखो इधर नॉर्थ पोल पे जो आपका 21 मार्च होता है उस दिन इक्वल डे नाइट होते हैं, 21 मार्च को सनरेज कहाँ फॉल होती है, इक्वेटर पर, ठीक है, सनरेज कहाँ फॉल होती है, बिल्कुल स्ट्रेट इक्वेटर पर, और अप्रोक्सीमेट इक्वल डे नाइट बनते हैं उस दिन से। फिर देखो मैं अब तो मार्च की बात बता रहा हूँ, अभी यह आपका, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ सनरेज फॉल होती है बिल्कुल, और फिर उसके बाद ये सनरेज वर्टिकली किस तरफ मूव करती है, नॉर्थ पोल की तरफ मूव, नॉर्थ पोल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करती है सनराइज वर्टिकली वाली। तो मार्च के बाद ज़्यादा सनराइज किस में होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, देखो इस ये पोजीशन रहती है तो इधर ज़्यादा सनराइज होती है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो मार्च अप्रैल मई जून और 21 जून को आते आते जो सनराइज फॉल होगी वो कैंसर पे होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल होती है सनराइज। और देखो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में होकर निकल रही है, तो देखो जून में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, क्योंकि सनराइज क्या होती है, बिल्कुल वर्टिकली फॉल होती है, ठीक है, वर्टिकल फॉल मतलब जब अपन खड़े होंगे शेडो में दिन में, ठीक है, और जब नून में अपन दिन में खड़े होंगे यहाँ पे तो क्या होगा, बिल्कुल अपना शेडो बिल्कुल पैरों के नीचे बनेगा, वर्टिकली फॉल होती है तो सनराइज, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, 21 जून को होता है, फिर 21 जून के बाद जून जुलाई फिर आगे, अब सनराइज आगे फॉल नहीं होगी वर्टिकली, नहीं, वापस रिटर्न होती है इक्वेटर की तरफ, ठीक है, तो कैंसर से धीरे धीरे जून जुलाई अगस्त सितंबर आते 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 तो सितंबर तक इनकी देखो डेट्स होती है कुछ, ठीक है, ये होती है आपकी, पहले बताई थी मैंने 21 मार्च, ठीक है, 20 मार्च हो सकती है, 22 मार्च हो सकती है, वेरी कर सकती हैं, ठीक है, सितंबर अभी इसमें 21 सितंबर दिया है, जनरली 23 सितंबर होता है जब आपका वापस जून के बाद इक्वेटर पे फॉल होगी आपकी सनरेज वर्टिकली, पहले मार्च पे होती है, ईयर में 2 टाइम वर्टिकली फॉल होती है इक्वेटर पर, मार्च में फॉल होगी, फिर जून में कैंसर पे होगी वर्टिकली फॉल, तो नॉर्थन साइड में ज़्यादा आपका गर्मी रहेगी, ज़्यादा आपका सनराइज सन जो फॉल होगा सनराइज फॉल होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगी, तो इधर समर रहेगा इस टाइम पे, तो मार्च से सेप्टेम्बर तक क्या रहता है, इधर समर रहता है, और इसी साइड इसी टाइम पे इधर क्या रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, इसी टाइम पे मतलब इस नीचे की साइड पे क्या रहता है आपके अर्थ के नीचे की साइड, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होता है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे नॉर्दर्न में आपका जिस टाइम पे समर, साउदर्न में उस टाइम पे विंटर, ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर कर लेना, नॉर्दर्न में जिस टाइम पे समर और साउदर्न में उस टाइम पे विंटर, ऐसे आपको मार्च से तो सितंबर तक अपन नॉर्दर्न में, तो नॉर्दर्न की बता रखा है इसने, तो मार्च से सितंबर तक समर का टाइम होता है, और पीक कब होता है, जून में, जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो सितंबर तक 23 सितंबर जनरल होता है, लेकिन ये वेरी कर जाता है 21 सितंबर या 22 सितंबर, अभी जो 2020 में होगा वो 22 सितंबर है इसकी डेट, उस टाइम पे वर्टिकली फॉल होगी इक्वेटर पर, ठीक है, डे नाइट इक्वल फॉर्म होते हैं उस दिन। तो देखो फिर वापिस सेप्टेम्बर इक्वेटर के बाद फिर अब क्या होगा, इक्वेटर पे फॉल हो रही है कब, 23 सितंबर को, वापिस सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, अब क्या होगा, अब चलेगा ये वर्टिकल फॉल होना इधर साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है, मतलब कैप्रिकॉन की तरफ धीरे धीरे ये वर्टिकल फॉल होने लगेगी कैप्रिकॉन तक, कैप्रिकॉन पे कब आएगी फिर, 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को कैप्रिकॉन पे फॉल होती है, और अर्थ देखो ये टिल्ड होने की वजह से जो आपका नॉर्थ पोल था वो चला गया इधर अंधेरे में, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब नॉर्थ पोल अंधेरे में चला गया और धीरे धीरे जो साउथ पोल है इस पे उजाला आने लग जाता है फिर, और ठीक है, तो ऐसे चीज़ें चलती है। देखो अब इसको नॉर्थ पोल में क्या हो गया, अंधेरा हो गया, साउथ पोल में उजाला हो गया, पहले इधर नॉर्थ पोल में क्या था, उजाला था, साउथ पोल में अंधेरा था, ऐसे ही अब इधर नॉर्थ पोल में अंधेरा हो गया और साउथ पोल में उजाला हो गया, मतलब यहाँ पे डे हो गया अब, ठीक है, तो ये चीज़ें वेरी करती हैं इक्वेटर से, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे डे नाइट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है,
ओके तो 22 दिसंबर को कैप्रिकॉन पे फाल होगी, तो साउथ हेमिस्फेयर में क्या रहेगा, समर रहेगा, तो उस टाइम पे नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या रहेगा, विंटर। और दिसंबर में क्या होता है अपने यहाँ पे, दिसंबर जनवरी में विंटर होता है, ठीक है। तो देखो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है किस साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और 21 जून को शॉर्टेस्ट डे होगा साउदर्न हेमिस्फेयर में। ऐसे हैं 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, ये इसको मत देखो, 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, और शॉर्टेस्ट डे होता है अपना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अपनी तरफ शॉर्टेस्ट डे होता है अपने यहाँ पे, ठीक है, 22 दिसंबर को। और तो फिर वापस 22 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी वापस इक्वेटर की तरफ मूव करती है वर्टिकल रेस। वापस देखो 22 दिसंबर के बाद वर्टिकल रेस कैप्रिकॉन पे थी 22 दिसंबर को, फिर जनवरी फरवरी वापस इक्वेटर पे मूव करती है, और मार्च आते आते कहाँ पे, 21 मार्च या 20 मार्च के लगभग इक्वेटर पे आ जाती है वापस रेस। तो ऐसे देखो पूरा ये ईयर का सिस्टम चलता है, ठीक है। ये जो वर्टिकल फॉल होती है इक्वेटर पे, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो कितने इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स हुए, 2 टाइम। और जो कैप्रिकॉन पे और कैंसर पे जो फॉल होती है, इसको बोलते हैं सोलस्टिस। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर के रेफरेंस में जब 21 जून है तो इसको बोलेंगे अपन समर सोलस्टिस, और 22 दिसंबर है इसको बोलेंगे अपन विंटर सोलस्टिस, ठीक है। विंटर सोलस्टिस मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस से बात कर रहे हैं अपन। 20 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, तो विंटर सोलस्टिस मतलब ये वाला, समर सोलस्टिस मतलब ये वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस से बात करते हैं, ठीक है। और ये होता है इक्विनॉक्स। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। ऐसे ये रिवोल्यूशन होता है, उसके वजह से आपके डे नाइट फॉर्म होते हैं। देखो मैं एक और पिक्चर की फॉर्म में आपको चीज़ें बताता हूँ। अब ये देखो इसमें आप देख सकते हो, देखो इस साइड यहाँ पे है, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं अपन, जून की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्थ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। ये आपका इक्वेटर है, जो इसने लाइन दे रखी है इसको इक्वेटर में, ये लो। तो देखो किस साइड आपके ज़्यादा सनराइज हो रही है, इस हेमिस्फेयर में, मतलब किस साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनराइज फॉल हो रही है आपकी। और नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल किस पे आ रहा है, उजाले में आ रहा है, साउथ पोल किस में आ रहा है, भले से घूमती रहे 24 घंटे में, फिर भी साउथ पोल में उजाला नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर डेज वेरी भी करते हैं यहाँ पे, डे नाइट वेरीज करते हैं इनकी लेंथ, ठीक है। ऐसे आपको इक्विनॉक्स का टाइम आएगा सेप्टेम्बर को, तो इस साइड पर उजाला रहेगा, दिख नहीं रहा इधर से, इस अपोजिट साइड में उसका उजाला रहेगा। ऐसे ही इधर जब बात करते हैं तो नॉर्थ पोल अंधेरे में चला जाएगा, मतलब यहीं चला जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, घटती जाती है, ठीक। इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर अंधेरे में आ गया, साउथ हेमिस्फीयर उजाले में आ गया, मतलब इस साइड पे ज़्यादा उजाला पड़ रहा है आपका, ज़्यादा सनरेज पड़ती है आपकी, ज़्यादा सनरेज हो रही है, तो इधर आपका समर आ जाएगा साउथर्न में, यहाँ पर नॉर्दर्न में समर था इस साइड। ऐसे ही वेरिएशन चलता रहता है, फिर आगे जनवरी फरवरी मार्च 21 मार्च के लग पर क्या होता है, आपके इक्वेटर पे सनराइज फॉल होती है, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में अंधेरा होगा उधर, ओके। तो देखो यहाँ पे 21 इक्विनॉक्स टाइम होता है, यहाँ पे नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल में भी चेंजेस होते हैं, मतलब एक उजाला एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब आपका डे और नाइट, जैसे नाउ यहाँ से क्या होगा, साउथ में क्या था, साउथ पोल में, साउथ पोल पे नाइट थी नाइट थी नाइट थी, यहाँ तक नाइट रहेगी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, डे शुरू हो जाएगा, डे 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 डे, यहाँ तक डे रहेगा, ठीक है। फिर 21 मार्च के लगभग उसमें चेंजेस होंगे और वापस नाइट फॉर्म हो जाएगी। तो देखो साउथर्न पोल और नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, साउथ पोल में साउथ पोल पे रात रहेगी, देखो यहाँ मार्च से और सितंबर तक साउथ पोल पे क्या होगी, रात नाइट होगी, और नॉर्थन पोल पे क्या होगी, नॉर्थन पोल की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पोल पे 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, डे होगा नॉर्थ पोल पे, डे होगा मार्च से सितंबर तक, और साउथ पोल पे क्या होगा, नाइट होगी। अब यहाँ के बाद बदल जाएगा वापस सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल पे उजाला आने लग जाएगा, मतलब डे शुरू हो जाएगा साउथ पोल पे, और नॉर्थ पोल पे नाइट शुरू हो जाएगी। ये देखो यहाँ दिख भी रहा है बिल्कुल, नॉर्थ पोल पे नाइट रहेगी, बड़े से कितना घूमे यहाँ पे। तो ये सिस्टम चलता है अपने पूरे ईयर का, रेवोल्यूशन का, ओके।
तो ऐसे अपन जैसे अपन इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं तो डे नाइट के लेंथ भी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक अच्छे डे नाइट फॉर्म होते हैं आपके, ठीक है। वर्टिकल रेज फॉल होती है साल साल भर में कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच, उसके बियंड फिर आपके डे नाइट वेरिएशन चलता रहता है। और आर्कटिक सर्कल, और यहाँ आपकी बात करें अपन आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल नीचे वाले नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास की बात करें तो वहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं डे नाइट में, ठीक है। तो अपने इसमें आगे देखते हैं चैप्टर में अपन, तो आगे बढ़ते हैं फिर चैप्टर में। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी टाइप दे रखी है, क्या एक्टिविटी है कि सम ऑफ फेस्टिवल सीजन ऑफ देयर सेलिब्रेशन इज गिवन बिलो, व्हेन वी सेलिब्रेट पर्टिकुलर फेस्टिवल हियर नेम द सीजन एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम इन द डिफरेंट कंट्री, फाइंड आउट द कंप्लीट टेबल। ये आपको एक्टिविटी के रूप में करनी है, एक्टिविटी फॉर्म में करनी है। देखो देखो होली है तो समर में आती है अपने, मार्च के लगभग आती है, ठीक है। तो केन्या में उस टाइम पे केन्या कंट्री अपनी वहाँ पे क्या होगा, देखो वहाँ भी समर ही होता है अपना, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, ओके। मतलब यहाँ पे समर होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इधर भी समर ही होता है आपका। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है उस टाइम पे जब अपने समर होता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया देखो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया है साउथर्न हेमिस्फीयर में और अपन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस टाइम अपने यहाँ समर होगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा उस टाइम पे, विंटर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी चीज़ें देख लो, देखो दिवाली टाइम पे मतलब विंटर होता है अपने यहाँ पे। जापान कहाँ होता है, जापान अपने साइड में ही है, ठीक है। इंडिया के किस साइड में है, ईस्ट साइड में है, चाइना है उसके उस थोड़े चाइना की तरफ, चाइना से थोड़े नीचे की साइड में है आपका जापान, मतलब अपने जो जापान है वो, वहाँ पर भी क्या होगा विंटर होगा। कनाडा में भी क्या होगा, विंटर होगा आपका, ठीक है। और क्रिसमस के टाइम पे अपने यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर के लगभग दिसंबर लास्ट में विंटर होता है। तो यूएसए में भी विंटर होता है, चाइना में भी विंटर होता है। तो ये चीज़ ये आपकी टेबल होती है कंप्लीट। नेक्स्ट अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, देखो एक जो मैंने बताया था वेरिएशन होता है डे नाइट में बहुत ज़्यादा, उसका एक एग्जांपल दे रखा है। देखो पहले उससे पहले मैं एक कुछ चीज़ बता दूँ आपको, बात कर रहे हैं अपन नॉर्वे की, ठीक है। अब नॉर्वे कहाँ है ये देख लो, ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर, ये कैंसर और ये आपके आर्कटिक सर्किल। तो नॉर्वे कुछ इसका पार्ट आर्कटिक सर्किल के उधर चला जाता है, थोड़ा सा पार्ट इधर रहता है, मतलब यूरोपीय कंट्री है और ये आर्कटिक सर्किल है उसके आसपास है, तो इक्वेटर से बहुत दूर है, कैंसर से भी बहुत दूर है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो डे नाइट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है ईयरली में, ठीक है, डे नाइट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो साल में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ तक, मतलब जुलाई से लेके मई तक यहाँ पे क्या होता है, डेज ही रहता है, मतलब सन रे 24 घंटे में आपके सनी सन रहेगा वहाँ पे। देखो ऐसे वेरिएशन करेगा, सुबह से शाम तक शाम होगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा सन रेज, मतलब इवनिंग हो जाएगी, वापस सन रेज आपका क्या होगा, सनराइज रहेगा, मतलब मिडनाइट सन होता है यहाँ पे। कब से कब तक होता है, जुलाई के हैं, जुलाई क्या अप्रोक्सीमेट 2 महीने तक होता है यहाँ पे, ठीक है। मई जून जुलाई तक, मई मिड से लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ मैं, ये मिड मई से जुलाई तक के लगभग, ठीक है, मई जून जुलाई तक, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 मंथ तक यहाँ पे क्या होता है, दिन ही रहता है। मतलब जैसे नॉर्थ पोल पे 6 मंथ तक रहता है, तो नॉर्थ पोल से जैसे जैसे इधर आते जाते हैं अपन, वैसे ये 6 मंथ नहीं होता है, फिर कम होता जाता है। इक्वेटर से दूर जाते जाओगे तो ये वेरिएशन ज़्यादा होता जाता है, और नॉर्थ पोल से बात करें तो ये कम होता जाता है। तो आर्कटिक सर्किल पे मई से जुलाई तक जब समर होता है अपने नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो उस टाइम पे यहाँ पे डेज बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो ये देखो 24 आवर का पिक्चर दे रखा है इसने, तो 24 आवर में 24 आवर अपने यहाँ पे क्या क्या होता है, 24 आवर में अपने यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है, आते नाइट हो जाती है। फिर यहाँ पे जुलाई से मई से लेकर जुलाई तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 महीने तक यहाँ पे डे ही रहता है। ऐसा हुआ इवनिंग हुई, वापस नहीं रहता है 2 मंथ तक। ऐसे ही जब विंटर होगा तो यहाँ पे नाइट ही रहेगी 2 मंथ तक अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये वेरिएशन चलता है अपने अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। तो यही चीज़ इसमें लास्ट में दे रखी है, इन यूरोपियन नॉर्थ यूरोपियन नेशन है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में नॉर्वे, द सन डज नॉट सेट द मिड मई टू एंड ऑफ जुलाई, ठीक है, मीन्स देयर सनराइज सनसेट आर साइमल्टेनियसली, सो द सन इज इवन इन द एट मिडनाइट, तो सन मिडनाइट में भी सन ही रहता है वहाँ पे, ठीक है।
ऐसे आगे बहुत सारी कंट्रीज हैं और भी, अलास्का वगैरह। अलास्का तो खैर एशिया का कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी नॉर्वे का अलास्का है। ऐसे आपके बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं अर्थ पे जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होता है डे और नाइट, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत दूर है, वहाँ पे सनराइज फॉल नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो नाइट बनी रहती है विंटर में, ठीक है। और समर के टाइम पे, जब समर के टाइम पे क्या होती है, जो फॉल होती है सनराइज वो ज़्यादा रहती है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपनी अर्थ क्या होती है, टिल्ड होती है, तो इसकी वजह से। ये फिर मैं एक और छोटा सा कंसेप्ट बता दूँ आपको पहले से, ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, जुलाई के लगभग की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, मई जून जुलाई की बात कर रहे हैं, जब सनराइज कहाँ होगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर में फॉल होती है, ये इक्वेटर, ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और एक और ठीक है, और एक और चीज़ देख लो, ये और है जहाँ पे आपकी, ये वो लाइन है जहाँ पे आपकी सनराइज फॉल हो रही है, ये सनराइज है, सन है। अब देखो मुंह तो ऐसे करेगी ना इसके इसके अक्रॉस, मतलब इसके साथ इसके रेफरेंस में, नॉर्थ पोल साउथ पोल लाइन के समय, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है देखो, तो इस टाइम पे जुलाई से मई तक के ये ऐसे मूव करता है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो सनराइज फॉल हो रही है सभी जगह, ठीक है, हाँ यहाँ आते आते शाम हो जाती है, वापस इधर आते दिन हो जाता है। तो देखो अब यहाँ तक सनराइज फॉल हो रही है, मतलब ज़्यादा सनराइज फॉल होती है वहीं तो दिन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये नाइट में जा ही नहीं रहा, इस साइड जाता ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है उस साइड नहीं जा रहा, नाइट में जा ही नहीं रहा, अंधेरे में जा ही नहीं रहा, तो वहाँ नाइट ही नहीं होती है फिर उतना, ठीक है, जहाँ तक टाइमिंग चलता रहता है, जैसे मूव करेगी आगे, ठीक है, जैसे मूव करेगी फिर अर्थ यहाँ से आगे, जुलाई से आगे, वो ड्यूरेशन कम होता जाता है फिर। बट उस टाइम पे जुलाई से लेके मई से लेके जुलाई तक, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे मूव करेगा, और इस टाइम पे इस पार्ट पे जो भी पार्ट है यहाँ पे अर्थ का, वहाँ पे डेज ही रहेगा, सनराइज रहेगी, कम ज़्यादा होता सनराइज, जैसे इस साइड में चला गया तो कम हो जाएगा, मतलब इवनिंग हो जाएगी, वापस डेज हो जाएगा, मतलब नाइट नहीं होगी फिर। ऐसे ये पार्ट जब विंटर में यही सिचुएशन इस साइड में भी होती है, पर यहाँ नाइट ही रहती है देखो, ठीक है, यहाँ सनराइज नहीं होगी 2 महीने तक, मतलब जो पार्ट इसके बात कर रहे हैं उसी पार्ट की यहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब विंटर होगा तो यही फिनोमिना उलट जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, जब विंटर होगा तो यहाँ पे 2 मंथ तक क्या होगी, नाइट होगी। तो ये नॉर्वे का सिस्टम है, नॉर्वे ऐसे प्लेस पे है अपने आर्कटिक सर्कल के आसपास, इसकी वजह से वहाँ पे डे नाइट लॉन्ग हो जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ एक्स्ट्रा में, एक्सरसाइज है तो, और ये कुछ चीज़ें हैं। उत्तरायण जब अपना 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न पे होती हैं सनराइज, उसके बाद उत्तर की तरफ जब वो मूव करता है तो उत्तरायण होता है, लेकिन अपन उसको ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग 14 जनवरी को मनाते हैं ये अपन, ठीक है। बट उसके अलावा सोलस्टिस मैंने बताया था क्या होता है, सोलस्टिस जब आपके सनराइज कैंसर पे या कैप्रिकॉर्न फॉल होती है तो उस टाइम बोलते हैं सोलस्टिस बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा 22 जून दे रखी है, 21 जून याद रखना आप, ओके, 21 जून याद रखना है इसको। इसके अलावा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बताया था, जहाँ पे आपके डे और नाइट अलग, अर्थ का डे और नाइट, जहाँ पे ये इधर नाइट है इधर डे है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा रिवोल्यूशन हो पता है, सेल्सियस क्या होता है, मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है आपका, ठीक है, ये रिवोल्यूशन होता है, सेल्सियस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच, पूरे पार्ट्स देखना है इसके अच्छे से, ओके, अच्छा चैप्टर है, थैंक यू वेरी मच।